परिवार के अंदर पति और पत्नी और एक देवर निवास करता था। पति का नाम था धनीराम और भगवान की ऐसी अनुकंपा भई लला, सो बाकी शादी भई, शादी में जो दुल्हन आई ना बकुर नाम रहे धन्नो, और धनीराम और मनीराम दो भैया रहे। मनीराम कुछ सीधे हिसाब का था लेकिन तब भी होशियार था, अपनी भाभी और भैया की लड़ाई को अक्सर निहारता रहता था, देखता रहता था लेकिन कभी कुछ कह नहीं पाता था। लेकिन एक दिन वो हिम्मत करके बैठ गया, आपकी बार लड़ाई हुई तो हम जरूर बोलेंगे, देखेंगे कैसे बोलेगा। करवा चौथ का दिन है, किसान खेत पर काम करने के लिए गया है और देखो घर में कैसे कैसे चर्चाएं चल रही हैं देवर भाभी। अरे भाभी, काय लला देवर, आज तो तुम बहुत चमक रही हो। अरे तुम्हें मालूम ना लला, आज करवा चौथ को व्रत हैं हम। करवा चौथ? हाँ जी, करवा चौथ का बला है। अगले साल तुम्हारी शादी करनी है तब तुम सीख जाओगे करवा चौथ का। सुन लला, करवा चौथ के दिन पत्नी अपने पति की लंबी उम्र की कामना किया करती है, इसलिए व्रत रखती है। हाँ जी, तो अपना भगवान मानती है। मैं अपने पति को पनवेश्वर मानती हूँ। इधर तो किसान बेचारा खेत में पौरा लेके काम कर रहो है, उसके हाथ में लाठी है, कमर में गमछा बना है, इंतजार कर रहा है कि मेरी पत्नी धन्नो रोटी को लेकर के आ रही होगी। लेकिन वो रोटी लेके नहीं आई, जो चिड़ैया खेत में पड़ रही थी उन्हें रखान लगो और चिड़ैया से कान लगो, और चिड़ैया हरिया हरिया करत दिन जाए मेरी धनो रोटी नाई आई वे हरिया हरिया। हरिया करत दिन जाए मेरी धनो रोटी नाई आई तो तौ आवे जमे मैं नौ आवे खेत में तो तौ आवे जमे मैं नौ आवे गल गलिया से दिया घबराए मेरी धनो रोटी नाई आई हरिया हरिया करत दिन जाए मेरी धनो रोटी नाई आई इंतजार कर रहा है लेकिन कोई नहीं आया। सोचने लगा ऐसे करें अब ना आया रोटी लेके अब चलेगा। अरे इधर तो दरवाजा बंद है। अरे धन्नो, ओ धन्नो, को ए टिल्लू के पापा, तुम काय को खून के प्यासे हो? क्यों री 12 बज गए, खेत पे रोटी क्यों नहीं लाई? देखो आज मत चिल्ला, हम करवा चौथ उपासी हैं। करवा चौथ? हाँ। कोई पूजा होते हो ये? तुम्हारी तो पूजा है। 5 साल शादी को हो गई, हमने जाना जानी करवा चौथ होते का? क्यों? सुनो। सुनाओ। तुम तो ये चाहती रहती हमेशा। क्या चाहते रहते हैं? कि पति करते करते मर जाए या सारे दिन बीमार रहे। अच्छा, आज की नारियां चाहती हैं द्वारे पे ही खड़ो सुनार रहे। हाँ समझ रही हूँ, सुन रही हूँ। तुमने जो शरीर में 80 किलो वजन है तो आज 55 किलो वजन हुए तुम्हारी खातिर। अच्छा। हाँ, और ये बकर बकर करता रहता है 24 घंटे भाभी के पक्ष में रहता, तुझे हम देख लेंगे। पूजा करने के बहाने से तुम रोज जलेबी खाती हो, समझ रही हो कि नहीं? हम जलेबी खाते रोजाना, तुम्हारे ये बहाने रहते मुझे बर्बाद करने पर चली हो। अच्छा। पूजा करने के बहाने से तुम रोज जलेबी खाती हो, घर
में ना एक पति को नीर देती और सड़क पूजने जाती हो। ये दशा है तुम्हारी। बस भैया अब रहन दो। क्यों आज करवा चौथ को व्रत है तब तुम भाभी से लड़न लगे तो क्या हो गया? तुम रोज रोज लड़न लगा तो इसकी रोजा रोजाना पूजा बंद नहीं होती तो तुम आज मान जाते तो हारो दुना तो आज न लड़ते। ऐसो लला मनीराम अब हमें छोड़ दो और जिन्ही देख ले का करेंगे हम। छोड़ दे तुम छोड़ दे छोड़ दे लला छोड़ दे। तुम्हारे को लड़ाई हमारे घर में लड़ाई देख देख के तंग हो गए समझ में ना आते हम का करे। कई बार रुक जाता हूँ। सुनो लला भाभी नाराज है भैया नाराज है आप सब बनती ना हमें। सुनो लला जादन सैना के घर में आए हमने सुख नहीं जानो को सुख कैसे हो तो मो देखो। सुनो लला बताओ। मैंने कबू न पायो चीन हो चीना जब से इनके घर में आई। दुखी रही तो मन चैन ना पाओ तुम हमेशा भैया की बुराई करती रहती हो। अरे सुनो लला बताओ। ए मेरे दिल में ये कपड़े खो मेरे सुनो लला देर हाँ बताओ। मेरे दिल में एक कपड़े खो सो न दिखाओ। सुनो ए मेरे दिल में ये कपड़े खो भैया तुम्हारी गलती है। क्या गलती है? 5 साल है गई ब्याह करे छठी चल रही है तो साथ नहीं है छठी चल रही है छठी भी चल रही है हाँ। तो अभी 100 किलोमीटर पे यहाँ से ना है तो तुम ताजमहल दिखाना ले जा सके। हमने जरूरत में जना देखे टावर कहाँ लगे हम जाए कहाँ ले जाए हम खेत के काम करने से कभी ढलवा ही नहीं होते तो हमें तो कह देते तुम आकर देवर है ना के कलयुग में कोई देवर बेवर नहीं है। इतना हक तो मुझे भी है। अरे सुनो लला देवर बता भाभी ए ताज महल आंख न नहीं देखो और कहो तो काड़ी नीन हो नीन जब से इनके घर में आई। तो सुनो लला देवर बताओ भाभी जी रोजाना हाँ हाँ घिरोर में बैठ जाता चौराहे पे ऊपर पी खाता लेकिन हमारे ना कहूँ ना खाता जब हमने देखे ऐसा कुछ दिन नहीं जाता है और मनीराम जब ये कुछ न कुछ खा के ना आए हमने कबों में पैसा डाल के ना खाए बेटा तो बाद में बैठे जन्म स्थल भंडार उठा के बैठे थे भूपेंद्र ने खवा दी लला। हर भूपेंद्र ने नाम लो तो मैं ध्यान आएगा जब भूपेंद्र खराब हो जाता है। सुनो लला देवर ए छेना बरपी कबो न लाते छेना बरपी ए छेना बरपी कबो न लाते छेना। ओ सुनो लला बताओ। मो पे दे मतलब सतराते मो पे दे मतलब सर मेरी कहे न नए को हो के न जब से इनके घर में आई।
मतलब में शक करते है। सकना कत मनीराम की बात सच्ची है। इन्हें जब पूछो इनसे वो बढ़िया कोई हमें और मिले है, मैंने बहुत खर्च करो है। ये बात होए तो लड़ाई होए ना, लड़ाई तो जाई बात की है। लड़ाई पेट की है। पेट की है? हाँ। और सुनो मनीराम। बताओ। ए जासे बढ़िया होती क्वारी जासे। ओ तो ना होती मेरी थारी तो ना। ओ सुनो मनीराम बेटा, जीवन की मारी थे न होती न जब से इनके घर में आई। ऐसा है देखो मनीराम है, ऐसे ही तुम्हारे भैया। सुनो सुनो, तू दूर हो जा, मेरी आंखों के सामने हट जा। और मेरी आंखों हम ये नहीं चाहते तुम जरा मेरी आंखों के सामने खड़ी हो। तुमने तब से तमाशा बना के रख दिया है, इस छोटे से बालक को बिगाड़ने में तुमने कोई कसूर ही नहीं छोड़ी हो। वो क्या नहीं जानते, वो सब कुछ जानते। सुनिए, तुम ये कह रही मुझे ताज महल नहीं दिखाया, मुझे बर्फ ही नहीं खिलाई, वो नहीं खिलाई, मुझे रसगुल्ले नहीं खिलाए। मुझे मालूम है। क्या मालूम है आपको? मुझे ये मालूम है। क्या बताइए? पांच लोग उठना पहले की चिड़िया में खूब चुनाएंगे। सुनिए सुनाइए। मेरी सुन ले प्राण प्यारी, भूकन मई के में मरी। सुन रही हो? सुन रही हूँ। मई के में मरी, भूकन मई के में मरी। मेरी 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 सुन ले प्राण प्यारी, भूकन मई के में मरी। मेरी सुन ले प्राण प्यारी, भूकन मई के में मरी। सुनो पिया, तुम कह रहे भूकन अपने मायके में। मेरा खुद का सोच है। सुनो, जब अपने मायके में मैं रहती थी, कुआरी थी, तब मैंने डब क्रीम और डब साबन लगाया, लेकिन तुम्हारे यहाँ क्रीम कभी नहीं मिलती है मुझे। ओए ओए, डबल मनीराम, डब का हो तू ना। सो तो भैया, तुम वास्तव में कहूँ डब साहब जानते ना, लेके कहाँ है? सुनो, दूध दही को मोहना देखो, अब फेंकती लातन से। तुम्हारी ने बहुत देखी है। दूध दही को मोहना देखो, अब फेंको लातन से। दिल्ली बम्बई शहर आगरा, दिल्ली बम्बई शहर आगरा, सबई फूस बातन से। एक दिन हुए, एक दिन हुए तेरी क्वारी, भूकन मई के में मरी। एक दिन हुए तेरी क्वारी, भूकन मई के में मरी। और बताएं? बताओ, हम सुन रही हूँ आपकी बात। चार दिन से मेरे घर में आई, लाल लाल करी आई। दिन से मेरे घर में आई, लाल लाल कड़ी आई। सुनो लला मनीराम, लाल लाल हमें रोज ना तुम अनार कैसे लाके खवाए देता। अरे जब साड़ी पहन के बाजार जाती है ना। हाँ? अरे पहन के साड़ी जाओ बाजार, और सब देखे मोहमाई, पूछे जाकिन की घरवारी, भूकन मई के में मरी। पूछे जाकिन की घरवारी, भूकन मई के में मरी। मई के में मरी, भूखी मई के में मरी। मेरी 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 सुन ले प्यारन प्यारी, भूकन मई के में मरी। मेरी सुन ले प्यारन प्यारी, भूकन मई के में मरी। हमसे इसलिए ज्यादा बात करना।
करने की जरूरत नहीं है। और लला बता भैया, तुम जो भाभी के चक्कर में फंसे हो ना, जे तुम्हारा ब्याह ना करा दिए, ब्याह हम जब करेंगे तब ही हो। भैया एक बात कहे। बोलो बेटा। मेरी तो एक बात समझ में ना आया रे। कहा कबू भाभी गर्म हो जाती है, कबू आप गर्म हो जाते हो, हैं? हाँ बोल बोल। और रोजाना का सिस्टम है ये सारी जिंदगी का सिस्टम है। पंडित ने पता नहीं कैसे मेरी क्या किया है। 5 साल के अंदर कोई दिन ऐसा ना आया हो जब हम पूरे परिवार बैठ गए और प्रेम पूर्वक खाना खा ले। तुम ये चाहते हो दोनों हम फांसी दे ले? नहीं ऐसा नहीं है। अब हमारे दिमाग तो जीवात आ रही है, कपे घर में काउन कछु जादू टोना करवाए दो या बताइए। बारे मनीराम भा, दादी जो अपनी थी ना, वो ऐसे टोटकन पे बहुत विश्वास किया करती थी। हम किसी भगत को जरूर दिखाएं, तेरी अगर कहीं नजर में भगत है तो बुला के ला। तो फरमा जा रहे बुलान। हाँ भगत जी। राम राम। राम राम बेटा। भगत जी। हाँ बेटा। तुम तो हमारे घर बहुत पहले से आज जाता हो। हाँ लला, तो बाबा के जमाने से आते हैं। बहुत पुराने भगत हो। हाँ लला, बहुत दिन आए गए मैं भगत ही कहते। तुम्हारे से हमारी विनती है। कहा है बेटा बता। हमारे घर में काऊ ने जादू टोना कर दो या भगत ही है। तास हम तुम्हें से विनती कर रहे हैं, नहीं हमारे घर चले चलो, नहीं देख लियो। और परेशानी का हम बताए। बता बेटा। हमारे घर में जमा भैया है बड़े भाई। इनमें में और भाभी बनती ना कहूँ। राम में। हाँ अरे कहूँ भाभी गुस्सा हो जाती है, कहूँ भैया गुस्सा हो जाते हैं। भाभी कहा हमारे के लड्डू पेराना ले आए, और भैया कहा था कि तूने भाई कपड़ा ना धोए। मतलब छोटी छोटी बातों पे कोई ना कोई आए दिन लड़ाई होती रहती है। तो कोई चक्कर या तो का उन्हें चाल दे दई और तुम हमें लेवा चलो, मई करेंगे जो कुछ करेंगे वहीं पे। चलो भगत जी फिर। चलो बेटा। भगत जी राम राम। राम राम बेटा, क्या बात है बेटा? हमने मनीराम तुम्हारे यहाँ पठा हुआ तो तुम आगे देख लो, अगर हमारे घर में कोई भगत वगैरह का चक्कर हो तो उसे ठीक कर दो। ऐसा करो, एक थाली मंगवाओ। अच्छा। अगरबत्ती मंगवाओ। अच्छा। चौक लगवाओ। अच्छा। ये काम पूरे करवाओ। ठीक है जी, मैंने पहले से तैयार रखी है, आपके सामने रखे। हाँ तो ऐसो है जहाँ पे भाई जो बहु है वह बैठा रहो। अच्छा। और बाकी संग में तुम्हें छंद गाने पड़ेंगे, कारक सुनानी। हाँ कारक सुनाने पड़ेंगे, बुला लो दो चार आदमी। तो गाते रहे अब देर से, घर खूब गाई। मनीराम अपनी भाभी से कह दे चौक बैठ जा। हाँ भैया हम बैठा ले रहे हैं, पीछे तुम बैठे जा रहे हैं। ले लला बैठ गए। पकड़ लियो ने, कर रहे करे खेलेंगे जी। भगत जी अपो तुम तंत्र मंत्र पढ़ रही हूँ। मनाई मना बेटा। अरे कारी तो करे लनी है बन फूलनी, कारी तो करे लनी फूलनी फूले बारे हो मास। भगत जी देवता कतई ना आओ। अरे फूल बारे मास बहुत मन मेरे भाई, गई बारी के पास नागिनी लिपति पाई। जन दो बेल पे पाँव चोट नागिन के हो आई। अरे कारी तो करे लनी बन फूलनी, कारी तो करे लनी जानते हो तो अपनी विद्या खर्च करो, मेरी पत्नी के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। एक कारक और सुनाओ, जाई कारक में चित रही है। अच्छा मतलब खेलेंगी? खेलेगी तो सुना दे महाराज। एक और चलो अगरबत्ती लगा दो। अगरबत्ती अगरबत्ती लगाओ। और ऐसा करो जुगरी को गोला फोल ले।
सब लोग मन से बुलाओ देवता जरूर है, तुम्हारे घर को संकट काट के जाइए भगत। अरे अब चल बे को दाओ भूत देवाया अब चलो चलो अब चल बे को दाओ भूत देवाया अब चलो चलो धरो सवैया बिलखाए हुक देवाया व चलो रे समारक महाराज कोई गंगा दिए नहाए हुक देवाया व चलो रे कोई भूत ना है। जा आदमी ते हम बहुत दुखी है। कोरे में परेशान है तो। परेशान वैसी कत में आदमी ते जा दुखी हूं बहुत दुखी हूं भगत जी। का बात है गई तो बता। सुनो सब लोग सुनियो सब लोग। धन्नो तुम पे कोई देवता नहीं है। हम पे कोई देवता ना। तो तुम मेरी बेइज्जती करना चाहती हो इस भरी महफिल में। करेंगे करेंगे करेंगे। जे भगत जे अवधेश जो उमेश जो सतेंद्र और जे हरिंदु जे सब घरे कहें जाए मेरी बदनामी हो जाए। कहीं हम तो तुम्हारी पोल खोले सब लोग सुनो सब अवधेश भैया सुनो। तुम सुनो मेरे भरतार सुनो तुम सुनो मेरे भरतार खोल त्यारी सब खोले आए सब खोले खेलवे सब कुछ आए हारी हां ये कब की बात है। अरे तुम्हें मालूम ना मनी ना मां घंटा भूपेंद्र की यहां पे वो नंबर एक को जो आ रही है सी बात तो सही है। और सुनो बेटा हां बताओ और सुनो तुम्हारी पोल खोल काका आ रहे आए बोलो गैया हार मेसिया हारे हे गैया हार मेसिया हारे सोने को हार खोल त्यारी सब खोले। अरे मम्मी ने बनवा तो हार उनके लिए तो भैया में हारे आओ जुआ में हारे आओ। और सुनो पिया एक बात और तुम्हें बता दी हरिंदा के ना बैठे रहते काहू बैठे रहते बता मेरा मित्र है। हाँ मित्र है और हमारी तो सहेली बहुत है जाने सहेली की सहेला है। अरे सुनो एक दिन तुमने मेरे साजन तकी वीरानी नार ए एक दिन तुमने मेरे साजन तकी वीरानी नार और लेके डंडा हम धर मारी राम देव भगत जी ना कहलन दो ने कहलन दो अरे लेके डंडा हम धर वादी जे मारे दुई चार जितन बना ठीक करो एक बात और मिला मनीराम बता भाभी
तुम्हारी कहानी अच्छी तरीका समझ गए। सब लोगन ने सुन ली, अब देश भैया सुन ली तुमने। मेरी इस भरे हुए समाज में तुम बेइज्जती करने के बाद में मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि औरतों ने कभी कहीं भी कुछ नहीं उखाड़ा। अच्छा, क्या नहीं उखाड़ा, सब कुछ कर लिया। मेरी बात सुन लीजिए। बताइए, औरतों ने कभी क्या उखाड़ा बता दीजिए। उखाड़े काम औरतों को का? नारिन ने तुम सुनो बिनीता, और कब कब पेड़ उखारे। अच्छा, हमने ना पेड़ उखारे तो तुमने का जर उखारी। हमने तो जने का उखारे। नारिन ने तुम सुनो बिनीता, और कब कब पेड़ उखारे। बंदूक और तलवार चलाए के कब कब शेर पछाड़े। नारियों ने कभी भी मर्दों से आगे बढ़ चढ़ करके कोई काम नहीं कर पाया। अच्छा, ज्यादा अगर नाराज हो जाएंगी तो पुरुषों ने क्या किया है? सुनो, बताइए। गुस्सा हो तो लड़कन कोई मारे या फांसी चढ़ जावे। औरतें। अच्छा, गुस्सा हो तो लड़कन को मारे या फांसी चढ़ जावे। ज्यादा जीव चले हो तो हम आंगन में देवारे। ज्यादा जीव चले हो तो हम आंगन में देवारे। और सुनिए, कुत्ता करती ना जब बेचती रोज बाजार जाती। हम हाँ, घेरोर में जाए कि चाऊमीन बैठ के खाते हो। हम और का हम कबू तुम आगे ना लाए। कबू ना ने भगत जी ऐसा करो, तुम जाओ इनसे। भाई बदनामी सुनो मत, इन्हें मेरी आंखों के आगे हटा दो। और ऐसा भगत जी, हमारी आंखों से इन्हें भी दूर कर दो। मनीराम, कुच्चा करती ना जब बेचती रोज बाजार जाती। और हमने पूछी कहाँ गई तो कमर में दर्द बताती। हमने पूछी कहाँ गई तो सर में दर्द बताती। और कुछ नहीं कर सकती हूँ। और तुमने आज इस भरी महफिल में मेरी बदनामी की, मेरी बेइज्जती कर दी है। भगत जी तो चले गए। बेइज्जती नहीं, मैं बात सही कही मैंने। अब हम तुम्हें इस तरीके से नहीं रख पाएंगे। क्यों क्यों बताइए। अब तुम एक काम करो, अपने कपड़े घड़ी करो और इस मनीराम को साथ में ले जाओ और अपने मैके के लिए चले जाओ। हम तो नहीं रख पाएंगे। मेरे बाप मेरे ताई ने मेरे ऐसा कर्म फोड़ो है, मेरा आदमी तो बहुत दुखी है। भैया तुम तो बहुत ही गर्म दे रहे हो। हम नहीं रख पाएंगे। तुम रखोगे ना इन्हें। तुमने मेरी मूछ कटवा डाली आज मनीराम। हमारे मूछ ना कटवाई मेरी, हमने ये देखा है तीन पीढ़ी तक खा बहु। मुझे बता पहले अपने घर में कहूंगा सुबह और तुम घसन निकालोगा। हट जा लग मैं आंखों के सामने से हट जा, तुम दोनों चले जाओ। अरे ले लड़कन को संग प्यारी पियर को टर जइयो। अब देख हम रख नहीं पाएंगे। मत करिए टेलीफोन री, मत करिए टेलीफोन री, ना लौट मेरे घर आइए। मेरी नारी के तेरी हुई जावे खुआरी, हम करे दूसरे ब्याह कयाबे सुंदर घर वाली। कितने रखे ही ना केला मोदो बैठे ने तो सुनीता। नीता तुम पियर को जाओ गोबर भैया न को डारो। नीता तुम पियर को जाओ गोबर भैया न को डारो। इसलिए आप इस मनीराम को लेकर के अपने पियर के लिए चली जाओ। ऐसा है, आपने बहुत मुझसे कह ली और मैंने बुरी भली आपकी मैंने बहुत सुन ली। और मेरी ऐसी नारी देखो लक्ष्मी बाई है, झांसी की रानी है। सुनो, झांसी की रानी थी लक्ष्मी बाई, जनी अंग्रेजों से की थी लड़ाई। म
रानी लक्ष्मी बाई हो सकती हो। क्यों? न तो तुम सीता हो सकती हो, न अनुसुईया हो सकती हो, तुम एक चीज तो हो सकती हो। बताओ। गन्नो अभी कुछ नहीं बिगड़ा। बताओ पिया। तुम तो मोई प्राण से प्यारी, दिल की साँच बताए रहे। तुम तो मोई प्राण से प्यारी, धन्नो आज बताए रहे। अच्छा हाँ, तो ऐसा है, मैंने बात तो आपसे सही कही? सही कही, लेकिन तुम जो ये कह रही हो कि झांसी की रानी या सीता जी और आज के जमाने में तुलना करो, अभी तुम ये कहने लगो कि आज तो राजनीति में देख के चलो कितनी स्त्रियां आ गई, तो क्या उनकी तुलना हम तुमसे नहीं कर सकते? क्योंकि क्यों बताइए, मुझे बहुत बुरा लगता है जब हम ये सोचते हैं अब देश के मेरे हिंदुस्तान में स्त्रियों का कब्जा है, पति थैले में रखे टमाटर बेच रहे, कारण क्या उसका? कारण बताइए आप। राजनीति क्या होती है ये तुमसी नारी क्या जाने, क्या दशा है आज गरीबन की ये तुमसी नारी क्या जाने। जब से हिंदुस्तान के अंदर 50% आरक्षण मिला है स्त्रियों को, तब से देखो कितने बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं। अच्छा, राजनीति क्या होती है ये तुमसी नारी क्या जाने, क्या दशा है आज गरीबन की ये तुमसी नारी क्या जाने। राजनीति हमसे नारी नहीं जानती है। हाँ, तुम सी। सुनो, नारी के रूप बहुत होते हैं। क्या रूप होते हैं? सुनो कि नारी अबला भी है, सबला भी है, पूरी बला भी है। अरे इंदिरा गांधी सबला नारी और लक्ष्मी बाई, अरे इंदिरा गांधी सबला नारी और लक्ष्मी बाई। और सुनो, अरे इनई ने नारी न की इज्जत, अब देख भैया, अरे इनई ने नारी न की इज्जत, बड़ाई नारी भई नारी महा नारी अबला भी है, सबला भी है, बुरी बला भी है। अरे बुरी बला भी है नारी, बुरी बला भी है नारी, भई नारी महा नारी हो नारी अबला भी है, सबला भी है, बुरी बला भी है।
के नरक की बैस्या जाए सुरग की रानी। दोनों गुण हैं इस नारी में प्रवीणन सत्य बखानी। नारी 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 अबला भी है सबला ये बुरी बला भी है नारी अबला भी है। भैया भैया हाँ आज तुमने देख ली भाभी कितनी योग्य है। नहीं समझदार हैं, समझदार हैं, लेकिन पति की बेइज्जती करने में भी समझदार हैं। हम भी इनके बात में सहमत हैं कि नारी के अंदर सब गुण होते हैं, मानते हैं। बेई तो गुण मेरे ऊपर चल रहे हैं नहीं बजाय तुम्हारी। अरे सुनो पिया। बोलो। ऐसा बहुत लड़ाई है बहुत सा वाला मीटर गिरा नहीं अभी। अभी नहीं गिरा। हाँ अब ऐसा क्षमा कर दो ना। ठीक है, मुझे दया भी जल्दी आती है। बोलो क्या कहना चाहती है। मैं ये कहना चाहती हूँ सुनो पिया। अब ना लड़ो राजा अब ना लड़ो, अब ना लड़ो राजा अब ना लड़ो, ना जावे तेरी पेश सैया अब ना लड़ो। सुनो सुनाओ तुम्हारे जो मीठे मीठे वचन, तुम्हारी जो मीठी मीठी बातें मुझे गोली की तरीका से चुभ रही हैं। जब याद आती है उसे चौक उस आंगन के बीच में भगत के सामने इस मनीराम और तुमने मेरी बेइज्जती की। भैया हमने कहा था दी इसलिए सुनिए धन्नो। सुनाओ। कम ना पढ़ूं हो रानी कम ना पढ़ूं, ना मानू तो से हार रानी कम ना पढ़ूं। लक्ष्मी घर की अरे तू तो कही है, तू तो जरूर कही है, तू तो प्यार को लालच हुआ है और जाने का लालच हुआ है। सही बात भी तुम्हें बुरी लगती है भैया। तुम दोनों की तुम मेरे भाभी को पहचान ना पाए, तुम्हारी सब उम्र ऐसी निकल गई। तू ऐसा करो अपनी भाभी को लेके कहीं दूर चले जा, हम तो इंतजाम कर लिए। भगवान ने एक दही तो भैया दूसरी उठी है। सुनो पिया बोलो। ए भोरे से तुम लड़ो लड़ाई, बालक मरे जा रहे उन्हें खाने पीने की हम बना दे। और क्या है तुम्हारे कपड़ा धोए दे वो तो धोने पड़े तुम आना तो तुम्हारी पीठ रगड़े तुम्हारी सेवा करें। तुम जैसी औरतों जितना उन्हें नहा गई तो तुम कपड़ा धो दो तुमको ज्यादा गुस्सा आते भैया। सुनो पिया तो कह रहे मेरी भी एक बार बात के ऊपर बजा दिया कर तब भी तुम्हें तसल्ली हो जाए। तो भैया वो तो शांत है यार दोनों लोग। सुनो पिया ना गुस्सा करो ना जावे तेरी पेश सैया अब ना लड़ो। ना मानू तो से हार रानी कम ना पढ़ूं, ना मानू तो से हार रानी कम ना पढ़ूं, ना मानू तो से हार रानी। चलो भाभी अब भैया की बात मान जाओ। अब सुनो लला अब हमारे संग चलियो क्या अपने भैया संग रहियो। न तुम कहीं जाओगी न भैया कहीं जाएंगे, इसी घर में हम रहेंगे, इसी में तुम रहोगी, इसी में भैया रहेंगे, नहीं, तो इसी में ये बच्चे रहेंगे। हमें तो जल गती है हमारी धन्नो नाराज होगी। अब चाहिए चाहिए क्या करें। ए मनीराम जरा बताओ भैया कुछ भी हो जाए। हाँ भैया बताओ। लेकिन मेरी धन्नो चली ना जाए तुम्हें अंदाज हम चलो जान देंगे। तू कुछ भी कर इतना तो मेरे साथ कर दे वो नाराज है चली जा सकती है। मैं तो नाराज हूँ इसलिए कह दिया उससे जा रुक ले जुड़ ले चलो मना लेते हैं। सुनो मनीराम। हाँ भाभी चलो हमारे संग चलो। और सुनो अब ना मैं मानूंगी
अपनी ही ठानूंगी। सुनो मेरे भरतार में तो पियर जान, की बात धंधो ना मानेगी क्या करे, हमें ही मनावे पड़ेगी। आप तो जो का लोट पटा होगा वो अब दे तो क्या करे, जब चली गई तो हम चले जाए धंधो का है। इधर आओ इधर आओ, कोई बात नहीं, पति पत्नी की लड़ाई तो होती रहती है। तुम्हारी सुनी है नहीं, इधर सुन। तू सुन ले प्राण से प्यारी, काय करे मेरी खुआरी, पानी भर भर लाऊं। जाइयो ना मनीरा, रोक लियो ठीक है। हाँ भैया, पानी भर भर लाऊं कहो तो गोड़। बताओ प्यार से बोलो। बिंदिया भी लाऊंगा, बिंदिया भी लाऊंगा, साड़ी भी लाऊंगा, अब तो तेरी सरकार तुम की हरमत गयो, अब तो तेरी सरकार तुम की हरमत गयो। राम, ओ अम्मा, का बहू के हाथा जोड़ा तू है। अम्मा तुम्हें कुछ नहीं मालूम, जो नए जमाने की कुछ फैशन है, आजकल के लड़के अकेले में स्त्रियों के हाथ नहीं है, क्या क्या कर लेते। ओ बहू का बात क्या है अम्मा, बात कुछ नहीं है, मैं इनसे कुछ नहीं कह रही। अम्मा का लला, एक बात बताएं। कहो लला। हम क्या, हम तो कोई चीज नहीं है, तुम तो हमेशा रामायण पढ़ती रहती हो, पुराण पढ़ती रहती हो। अरे पुरानी बात याद करके देखो। सही बात कहते हो लला। कि क्या छुपा दिया है नारी में, अच्छा जो नहीं समझ में आता है। लेकिन बुराई मत मानियो, अम्मा ना गिना कह रहे, हम सिर्फ यही की कह रहे हैं। लला पुराने इतिहास उठा के देखो। लला तू बहू की कह तू है तो हम उन तक कह दे काऊ दिन ना कहबे। औरत के आगे सूर वीर बलवान तलक झुक जाता है। क्या देखा नीच चंद्रमा ने, जो गुरकी ले भाजो नारी। क्या देखा इंद्र अहिल्या पे, छोड़ी घर में सुन।
विश्वामित्र में काके संग अरे बन के बीच में बौराने देखो यो नारद बाबा को लड़की के पीछे दीवाने और एक बात बताएं, सब लोगों ने ये जान लिया है कि इनके आपस में बहुत लड़ाई हुई है। अच्छा। हाँ, लेकिन तुम पियर को मत जाओ, हम तुम दोनों इस घर में प्रेम के साथ रहेंगे और इस हमारे मनीराम का विशेष ध्यान रखना। मनीराम मेरा जो छोटा भाई है, ये किसी भी बात के लिए दुखी न रह पाए। आज भैया तुमने कही है। भाई मेरा है, अगर इसे किसी बात का दुख हो गया तो इस बात की परेशानी हमें बहुत हो जाएगी। सुना पिया। हाँ। आज से तुम कान पकड़ लो कि हमसे कब न लड़ ले। हम तो नहीं लड़ेंगे। तो हम ही नहीं लड़ेंगे। सुन लीजिए। बताइए। बिना पति के पतवार नहीं होता पत्नी का। अच्छा अच्छा बताइए। किन्नैया सुनी सुनी है और पतवार के बिना। अच्छा। हाँ। और दुल्हन सुनी सुनी है भरतार के बिना। तुम में प्रेम होगा, जिस घर में पति और पत्नी प्रेम से रहते उस घर में लक्ष्मी बात करती है। वो तो बात ठीक है। राखी तो कलाई बिन नंद तो भौजाई बिन ठंड तो रजाई बिन लागे सुनी सुनी है लागे सुनी सुनी है लागे सुनी। समझ रही हो? हाँ समझ रही हूँ। राखी अगर कलाई में न बने उसकी कोई शोभा नहीं होती। राखी तो कलाई बिन नंद तो भौजाई बिन ठंड तो रजाई बिन लागे सुनी सुनी लागे सुनी लागे सुनी। जिव्या सुनी सुनी है जिव्या सुनी सुनी है प्रभु नाम के बिना। भैया सुनी सुनी है पतवार बताएं। बताओ। घर उसके बैठो अच्छा। खुशहाली हो। अच्छा। लला अरिंद घर उसके बैठो सतिंदर जहाँ खुशहाली हो और ससुराल उसकी जाओ जहाँ बढ़िया सी हाली हो। ससुराल साली बिन बागे एक माली बिन कीर्तन ताली बिन लागे सुनो सुनो है लागे सुनो सुनो है लागे सुनो सुनो है लागे सुनो। नीता कहिए पिया। छत्री सुनो सुनो है सुनो है हथियार के बिना। नैया सुनी सुनी है पतवार सुनी है भरतार के बिना। इसलिए सभा के लोगों इस बात का विशेष ध्यान रखना, विनीता और प्रवीण ने जो शब्द कहे हैं किस किस बात को लेकर के घर में कलह बढ़ती है उन बात को नज़रअंदाज करके पति और पत्नी जब घर रूपी गाड़ी को चलाते तो उसमें कभी संकट नहीं आते, कभी दरार नहीं पड़ती है। पति और पत्नी में प्रेम रहना ये बहुत ज़रूरी बात है। और सुनो,
प्रेम से रहना चाहिए। प्रेम से रहना है, देखो कितनी समझदार है। तुम सुनो सभी नर नारी और प्रेम से तुम रहियो, तुम रहियो। तुम सुनो सभी नर नारी, बताओ उपकार कैसेट के माध्यम से पति और पत्नी की लड़ाई आप लोगों के सामने जो पेश की जा रही है, इसके मुख्य कलाकार हैं प्रवीण कुमार शास्त्री और विनीता शास्त्री। ढोलक पर जो संगत कर रहे हैं अवधेश शर्मा पुनू वाले, चिमटा पे वही सत्येंद्र यादव जी नगला नया वाले, हमारे साथ हमारे मित्र हरेंद्र यादव और भूपेंद्र कुमार बघेल साहब जी जो खड़े हैं, उमेश कुमार जो घड़ा बजा रहे हैं, ये महुआ हार के रहने वाले हैं, और हम सबसे कह रहे हैं तुम सुनो सभी नर नार प्रेम से तुम रहियो, तुम रहियो। माताओ ये मत कहियो प्रवीण तुम बड़े धर्मात्मा हो, ऐसा कुछ नहीं है। अपनों पथ चाहे निर्धन हो वे चाहे हो वे बलहीना, अपना पिया शरीर से कमजोर है तब भी तुम्हारे लिए परमात्मा है। पति के पास में धन नहीं है फिर भी तुम्हारे लिए परमात्मा है। अपने पथ चाहे निर्धन हो वे चाहे हो वे बलहीना, सच्चे मन से सेवा करियो मोहम्मत करो मलीना। न काऊ से कहियो तुम सुनो सभी नर नार प्रेम से तुम रहियो, तुम सुनो सभी नर नार। प्रवीण यादव नगला नया के कैसिट में रह जाई, प्रवीण यादव नगला नया के कैसिट में रह जाई। अवधेश शर्मा ग्राम पुनु के ढोल करे चटकाई, ध्यान में तुम लइयो तुम सुनो सभी नर नार प्रेम से तुम रहियो, तुम सुनो सभी नर नार प्यार से तुम रहियो।